हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो निकिता ब्यूटी ब्लॉग। सो गाइज, आज आप लोगों को मेरी आवाज थोड़ी डिफरेंट लग रही होगी जस्ट बिकॉज आई हैव कोल्ड। सो गाइज, इस बात को थोड़ा सा, मेरी वॉइस को थोड़ा सा नेगलेक्ट कीजिएगा, मेरे जो कंटेंट है उस पर जरा फोकस कीजिएगा। सो आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, दिस इज द गुड वाइब्स का रोजहिप सीरम का रिव्यू। और गाइज, गुड वाइब्स का रोजहिप सीरम है बहुत ही ज्यादा डिमांडेबल प्रोडक्ट है। एंड ये जो प्रोडक्ट है, इसके बारे में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो पर्सनली मेरे भी थे इस सीरम को लेके, कि ये वाला जो सीरम है वो स्किन टाइप के लिए है या नहीं, जो सीरम है वो हर सीजन में आपकी स्किन के लिए सुटेबल रहेगा या नहीं रहेगा। तो आज की वीडियो में बहुत ज्यादा डिटेल में लेके आई हूँ, जो आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा इस सीरम के बारे में कि वाकई में ये आपको परचेस करना चाहिए या किस स्किन टाइप के लोगों को ये परचेस करना चाहिए एंड किस सीजन में आप लोगों को ये परचेस करना चाहिए। तो गाइज, एवरीथिंग कवर इन दिस वीडियो। तो आज आपको इस वीडियो में बिल्कुल पता चल जाएगा और मैं लास्ट में आप लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगी। तो मेक श्योर वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा गाइस। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको हेल्पफुल लगेगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना गाइस, एंड सबके साथ शेयर जरूर कर देना, क्योंकि वाकई में अभी तक ये जो वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूं, अभी तक किसी ने इतना डीपली आप लोगों के साथ शेयर नहीं करा है जितना मैं आज आप लोगों के लिए बताने वाली हूं। तो चलिए, विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात कर लेते हैं पैकेजिंग की। तो जो इसका आउटर पैकेजिंग है, इट जस्ट अ कार्डबोर्ड का एक तरह का बॉक्स मिल जाएगा जिसमें आपको बहुत ही ज्यादा डिटेल में सब कुछ मेंशन कर रखा है। एंड यहाँ पे सबसे पहले आपको एक इस तरह की ये बॉटल मिलती है जो मैंने ऑलरेडी निकाल के रख रखी है। तो ये है 10 ml की क्वांटिटी के साथ में आपको मिलता है प्रोडक्ट। वैसे आप चाहो तो इसकी क्वांटिटी ज्यादा कम भी मंगा सकते हैं, बट ये मैंने पहले ट्रायल के लिए यूज करा था। वैसे इसका सैशे भी कभी कभी अवेलेबल होता है तो वो लोग आप लोगों को खुद ही दे देते हैं। और वैसे मैंने इसका एक सैशे था, मैं यहाँ स्क्रीनशॉट भी डाल दूंगी, वो मुझे मिला था, देन उसके बाद में मैंने इसको परचेज करा था। तो यहाँ पे इसकी जो MRP है वो है 225 rupees एंड जो इसकी सेल्फ लाइफ है वो है 3 years। एंड गाइज, ये मुझे एग्जैक्टली जो भी प्राइस में मिला था, मैं यहाँ स्क्रीनशॉट डाल दूंगी, आप चेकआउट कर सकते हो। ये जो सीरम है गाइज, ये ग्लास के कंटेनर में मिलती है। यहाँ पे आपको एक गोल्डन कलर का कैप मिलता है एंड ये देख सकते हो इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो आपको दिखा देती हूँ। एंड जो इसका ड्रॉपर है ये भी ग्लास फॉर्म में ही आता है। एंड यहाँ पे मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी दिखा देती हूँ, बहुत ज्यादा वाटरी नहीं है ना ही ज्यादा थिकी है, जो मीडियम कंसिस्टेंसी होनी चाहिए एक सीरम की, कुछ उस तरह की इसकी कंसिस्टेंसी है। एंड जब आप इसको अपने फेस पे ब्लेंड करते हैं तो बिल्कुल भी कोई भी चिपचिपाहट नहीं लगती है, ये बहुत अच्छी बात है। क्योंकि अधिकतर बहुत सारी सीरम्स ऐसी होती हैं जो आपको लगाने के बाद में एक तरह का स्टिकीनेस क्रिएट कर देती हैं, तो ऐसा इस वाली सीरम में बिल्कुल नहीं है। और ये आप देख सकते हो बहुत जल्दी एब्जॉर्ब हो जाती है, जो मुझे बहुत ज्यादा अच्छा इसका एक प्लस पॉइंट लगा है गाइज। तो अब आप ये देख रहे हो, ऐसा बिल्कुल लग भी नहीं रहा है कि मैंने यहाँ पे कुछ अप्लाई भी करा है, बहुत ही लाइट वेटेड है एज वेल एज नॉन ग्रीसी फॉर्मूले के साथ में है, जो मुझे, क्योंकि ऑयली स्किन वालों को प्रॉब्लम होती है कि कोई भी चीज अगर वो अपने फेस पे अप्लाई करते हैं तो बहुत ज्यादा ग्रीसी हो जाती है उनके फेस पे। तो ये जो सीरम है ये बिल्कुल परफेक्ट है एंड बहुत जल्दी आप देख रहे हो मैंने अभी लगाया है और तुरंत ही एब्जॉर्ब हो गई है गाइस। तो इसकी जो कंसिस्टेंसी है, फॉर्मूला है, बहुत ज्यादा अच्छा है, इस लिहाज से ये मुझे काफी अच्छी लग रही है। आप जानते हो कि जो गुड वाइब्स के प्रोडक्ट होते हैं वो नो पैराबेन, नो सल्फेट, नो मिनरल ऑयल के साथ में आपको रिसीव होते हैं। और मैं आपको एक बात भी बता देती हूँ, नो मनी, मतलब ये मुझे बिल्कुल फ्री मिली थी। यहाँ पे मैं आपको स्क्रीनशॉट भी मेंशन कर दूंगी कि आप देख सकते हो, ये मुझे आई थिंक कोई सेल चल रही थी, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट डाला हुआ है, आप देख सकते हो कि मुझे बिल्कुल फ्री मिली है। बात करते हैं इसके क्लेम की, ये क्या क्लेम करता है, उसके बाद में मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी। ये आपकी स्किन को ब्राइट करता है, आपके मॉइस्चर को लॉक करता है, स्किन के टेक्सचर को क्लैरिफाई करता है, यानी कि अगर आपकी स्किन में अनइवन टोन हो गई है तो ये उसको क्लीन करता है। एंड समय से आने वाले साइन ऑफ एजिंग को भी नहीं आने देता, मीन्स आपको जवान बनाए रखता है। तो ये थे इसके क्लेम। अब बात करते हैं इसके इंग्रीडियंट्स, इंग्रेडिएंट्स की, जैसा कि इसके नाम से ही सजेस्ट है, तो इसमें है रोज हिप और साथ ही है इसमें विटामिन ई, आमंड ऑयल, जोजोबा ऑयल, सीसम ऑयल, यानी जो तिल का तेल होता है वो वाला ऑयल है इसमें, यानी कि जितने भी ऑयल हैं ये आपके मॉइस्चर को अच्छे से लॉक करते हैं। चलिए अब वन बाय वन करके डीपली इसके इंग्रीडियंट्स पे फोकस करते हैं।
सो गाइस जो इसका मेन इंग्रेडिएंट्स है वो है रोजहिप। एंड रोजहिप क्या होता है, रोजहिप जो होता है वो गुलाब की जो पंखुड़ियों के पीछे का जो हिस्सा होता है ना, एग्जैक्टली मैं यहाँ मेंशन कर रही हूँ, ये वही होता है। यानी तो आमतौर की भाषा में मैं इसे कहूँ कि रोज का ये बम है। आई थिंक यू गेट माई पॉइंट व्हाट एग्जैक्टली आई वांट टू से। तो आप समझ गए होंगे रोजहिप क्या होता है। जो रोजहिप होता है उसमें विटामिन सी होता है जो हमारी स्किन को ब्राइटनिंग प्रॉपर्टीज ऐड करता है। एंड साथ ही साथ इसमें होता है एसेंशियल फैटी एसिड जो हमारी स्किन को मॉइस्चर देता है। एंड जो रोजहिप ऑयल है वो हमारे कोलेजन प्रोडक्शन को भी बूस्ट करता है। एंड इसमें 100 ग्राम रोजहिप ऑयल है जो कि बराबर है 100 ग्राम ऑरेंज जूस से। तो यानि कि विटामिन सी का ये भरपूर सोर्स है लगती है। एंड दूसरा जो इंग्रेडिएंट्स है इसमें वो है सीसम ऑयल यानि कि तिल का तेल। एंड सीसम ऑयल जो होता है वो पॉल्यूशन से हमें कंट्रोल करता है। एंड सन से होने वाली जो डैमेज स्किन हो जाती है यानि कि यूवी रे से जो हमारी स्किन डैमेज हो जाती है उससे प्रोटेक्ट। तो ये थे इसके इंग्रेडिएंट्स जो मैंने आपको डिटेल में शेयर कर दिए हैं। एंड इसके बारे में अब बात करते हैं हाउ टू यूज इट, आप इसे कैसे यूज कर सकते हैं। तो जेंटली आपको क्या करना है, आपको अपने फेस को क्लीन कर लेना है। देन उसके बाद में जो भी आप टोनर यूज करते हैं उसको स्प्रे कर लीजिए। फिर उसके बाद में जब आपका जो फेस है वो वेटी हो यानी कि थोड़ा बहुत गीला सा ही हो यानी कि उसमें नमी हो, उसी टाइम पे 2-3 ड्रॉप लीजिए इसकी यहाँ पे। तो 2-3 ड्रॉप लेके अपने फेस पे इस तरह से डॉट ले लीजिए। 2-3 ड्रॉप काफी होगा, इनफ होता है। और अपने फेस पे जेंटली मसाज कीजिएगा। और जब तक ये मेरे हिसाब से तो 1 या 2 मिनट आपको अच्छे से मसाज करनी चाहिए ताकि ये हमारी स्किन के अंदर तक पेनिट्रेट हो सके और हमें अच्छे रिजल्ट दे सके। तो हर सीरम को आपको ऐसे ही यूज करना है। और अब ये देख रहे हो ये बहुत ही जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है, जो वाकई में मुझे बहुत अच्छा इसका पॉइंट लगता है। अब बात करते हैं क्या ये वाकई में हर स्किन टाइप के लिए बेनिफिशियल है या नहीं। तो मैं आपको बता देती हूँ, ये आपको मॉइस्चर देता है, यस मॉइस्चर देता है। आपकी स्किन को हाइड्रेट करता है, बिल्कुल हाइड्रेट भी करता है। तीसरा है कि अगर आपकी स्किन डल है तो क्या ये उसको इन्हेंस करता है। सो गाइज यहाँ पे मैं अब अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ कि मैंने इसको यूज करा था, आई थिंक मैंने इसको अक्टूबर या नवंबर में यूज करा था। तो उस टाइम पे ये मेरे स्किन पे बिल्कुल वर्क नहीं करा था। इवन मेरी स्किन बहुत ज्यादा डल हो गई थी जब मैंने इसको यूज करा था। एंड मेरी जो स्किन थी वो समर में बहुत ज्यादा ऑयली हो जाती है एंड विंटर टाइम पे नॉर्मल रहती है बट थोड़ी सी लिटिल बिट ड्राई रहती है। तो इस हिसाब से अगर मैं कहूँ कि ये हर स्किन टाइप के लिए हर सीजन में, स्पेशली मैं सीजन वाइज कहना चाहती हूँ, हर सीजन में इतना अच्छा वर्क नहीं करता है। बट ये वाला जो सीरम है गाइज ये बेस्ट है फॉर दी ड्राई स्किन के लिए, नॉर्मल स्किन के लिए। अगर आपकी नॉर्मल स्किन है या ड्राई स्किन है तो आप हर सीजन में वो आंख बंद करें आप इसको डेफिनेटली यूज कर सकते हैं। बट इफ यू हैव गाइज ऑयली स्किन और कॉम्बिनेशन स्किन जस्ट लाइक मी, तो ये वेरी करता है सीजन टू सीजन। तो मेरे हिसाब से ये कॉम्बिनेशन स्किन टाइप के लिए ज्यादा, जब कोल्ड हो जाता है, ज्यादा विंटर ज्यादा आ जाते हैं तो उस टाइम पे ही आप इसको यूज करिए गाइज। अदरवाइज इसको यूज मत करना, ये आपको बेनिफिट देने के जगह आपको बहुत ज्यादा आपकी स्किन में खराब कर देगा आपकी स्किन को। तो प्लीज मेक श्योर आप हर किसी प्रोडक्ट को अपनी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग प्लस सीजन वाइज के अकॉर्डिंग ही यूज किया कीजिए, वरना जो भी इंग्रेडिएंट्स जो होते हैं वो आपको नुकसान भी दे सकते हैं आपकी स्किन में। तो कॉम्बिनेशन स्किन वालों के लिए ये अगर आप यूज कर रहे हैं, जैसे मेरी कॉम्बिनेशन स्किन है, अगर मैंने जब मैंने इसको यूज करा था गाइस तो मेरी स्किन नवंबर के टाइम पे बहुत ज्यादा डल हो गई थी। बट अभी बहुत ज्यादा विंटर है, दिल्ली में रहती हूँ मैं तो वहां पे अभी बहुत ज्यादा विंटर है। तो मैंने इसको दिसंबर में यूज करा है एंड जनवरी न्यू ईयर हो चुका है। तो अभी मेरी स्किन पे इतना अच्छा वर्क कर रहा है, इतना अच्छा ग्लो ला रहा है, प्लस मेरी जो स्किन है बहुत ज्यादा हाइड्रेट फील हो रही है, बहुत अच्छे से मॉइस्चर को क्लॉक करके रखता है ये। तो इस टाइम पे यानी कि अगर मैं कहूंगी फरवरी तक मैं यूज करने वाली, नहीं फरवरी के फर्स्ट वीक तक ही मैं इसको यूज करने वाली हूँ, तो उस हिसाब से ये वाला प्रोडक्ट मेरी स्किन के लिए अभी बहुत ज्यादा अच्छा वाला प्रोडक्ट है। बट जब समर स्टार्ट हो जाएंगे आफ्टर द फर्स्ट वीक ऑफ फेब, तो उसके बाद में मैं इसको यूज करना बंद कर दूंगी। बट अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आप इसको हर सीजन में यूज कर सकते हैं गाइज, क्योंकि ये स्पेशली ड्राई स्किन वालों के लिए ही बना है। तो अगर आपकी ड्राई स्किन है तो बिल्कुल हाईली रिकमेंडेड है आप लोगों के लिए, बिल्कुल आप इसको परचेज कर सकते हैं।
बट अगर आपकी ऑयली स्किन है तो विंटर सीजन में आप यूज कर लीजिए इसको, जो जब बहुत ज्यादा ठंड होगा उस टाइम पे ही यूज करना है। नवंबर के मंथ में अब इतना ठंड नहीं पड़ता है तो उस टाइम पे भी इसको यूज करना अवॉइड कीजिएगा अगर आपकी ऑयली स्किन है तो। तो मैं यहाँ पे आपको एक फटाफट एक बार और क्लियरिफाई कर देती हूँ कि किस टाइम पे आपको यूज करना है। ड्राई स्किन वालों के लिए एंड नॉर्मल स्किन वालों के लिए ये ऑल सीजन में आप यूज कर सकते हैं। ऑयली स्किन वाले जो हैं वो इसको जब ज्यादा ही ठंडी होगी उस टाइम पे यूज करिए, यानी ज्यादा विंटर होगा उस टाइम पे ही यूज करिए, मतलब कि दिसंबर से लेके जनवरी के बीच में। एज वेल एज कॉम्बिनेशन स्किन वालों के लिए अगर मैं बात करूं तो जैसे ही मेरी स्किन पे वर्क करा था मैंने इसको दिसंबर में यूज करा है और मैं फेब के फर्स्ट वीक तक इसे यूज करने वाली हूं, तो ये जो दो महीने से थोड़ा सा ज्यादा टाइम है इसमें आप इसको यूज कर सकते हैं। और नॉर्मल स्किन वाले भी इसे हर सीजन में यूज कर सकते हैं। तो ये जो स्किन टाइप के बारे में मैंने आपको बताया है, आई होप आपको ये अभी तक, तो गाइज आई थिंक मुझे नहीं लगता किसी भी यूट्यूबर ने अब तक आपको इतना क्लैरिफाई करा होगा। तो अगर मेरा एफर्ट आप लोग को अच्छा लगता है, जो जो मैं आप लोग के लिए इतना रिसर्च करके लाती हूँ गाइज, तो प्लीज सब्सक्राइब तो क्या कीजिए गाइज, क्योंकि आप लोग वीडियोस देख लेते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते। तो प्लीज गाइज सब्सक्राइब क्या कीजिए, क्योंकि मुझे सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है आप लोगों की। एंड अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना एंड मुझे इंस्टा पे भी जरूर फॉलो कर लेना, क्योंकि इस तरह की जो अपडेट्स है मैं यहाँ पे पहले ही आप लोग के अपडेट कर देती हूँ। और बेल आइकन को भी जरूर हिट कर लेना ताकि मेरी कोई भी वीडियो आप लोग से मिस ना हो सके। तो मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।